गवर्नमेंट बन रहे हैं, हम उसको शुभकामना नहीं दे सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमका शुभकामना देश के लिए रहेगा कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ममता बनर्जी जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है आज, उसको शुभकामना नहीं देंगी। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम इस सरकार से खुश नहीं है, हम भारतवासियों को शुभकामना दे सकते हैं, होप फॉर द बेस्ट। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नई सरकार बन रही है हम उससे संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, और अपने सांसदों से भी क्या रिक्वेस्ट कर रही है आप देखिए इस वीडियो में। हम ये जो गवर्नमेंट पूरा अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इल्लीगली गवर्नमेंट बन रहे हैं, हम उसको शुभकामना नहीं दे सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमका शुभकामना देश के लिए रहेगा कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। हम एमपी लोगों को रिक्वेस्ट करने चाहेंगे, जो भी पार्टी है, आपका आपका पार्टी को मजबूत बनाओ। ये तो फिर कोशिश कर दिया ना, इसको पार्टी तोड़ो, उसको पार्टी तोड़ो। अभी बीजेपी को समझना है कि इसको पार्टी तोड़ना अच्छा काम मत करो, पहले आपका पार्टी तोड़ जाएगा। हमने नहीं तोड़ेंगे, आपका अंदर से ही जाएगा। आपका अंदर का सब आदमी खुश नहीं है, ये हम देख रहा है। मेरे को यही बात कहने था। मैंने आज मीटिंग हुआ इसी के लिए, मैं सोचा कि आप लोगों को दो चार बात कहे इसी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, ममता बनर्जी हमेशा से ही नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करती है, उनकी नीतियों को पसंद नहीं करती है, इसलिए उन्होंने खुलकर विरोध किया है। बोला है कि हम शुभकामना नरेंद्र मोदी की सरकार को, एनडीए की सरकार को नहीं देने वाले हैं, और अपने सांसदों से भी अपील कर रहे हैं कि आप इनको शुभकामना मत दीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आप अपना सरकार बना पाएँ, और विश्वास रखिए कि आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा, कोई अच्छी सरकार आएगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।